हैप्पी एंडिंग। ये गाड़ी का आपको देना होगा मात्र 1,55,000। 1,55,000 ओनली। 1,55,000 में इंश्योरेंस प्लस ट्रांसफर प्लस एक साल का सर्विस, हर वो कुछ आपको मिलेगा इस गाड़ी में। 1,90,000 रुपए भी अगर आपके पास हैं तो इस वाले वैगन आर को आप अपने घर लेकर जा सकते हैं, बाकी लोन हो जाएगा। 1,90,000 दीजिए और डिजायर VXi लेके घर जाइए। न्यू शेप। अगर आपके पास 2,00,000 रुपए भी है तो ये गाड़ी को आप अपना बना सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं रोमिंग बर्ड फेसबुक पेज भी साथ के साथ। तो भाई आज की वीडियो फिर से आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही कमाल की। और जब भी मैं कहता हूँ ना बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आज की होने वाली है, तो मैं वो करके दिखाता हूँ। लास्ट टाइम हमने किया था सेम डीलरशिप पे किया था, कारमैक्स डीलरशिप पे, जहाँ पे कि हमने आपको दिखाई थी XUV 700, जो कि भाई दिखाई थी अब बिक गया, शायद बेगूसराय के थे जो जिन्होंने देख के लिया है। तो भाई पहले तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने XUV 700 यहाँ से बाई किया है। और वैसे ही और भी अगर आप कोई सी भी कार यहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कारमैक्स डीलरशिप जो कि मुजफ्फरपुर में है, यहाँ पे आपको मीटर की गारंटी मिलती है कि कितनी किलोमीटर चली हुई है। इस बात की गारंटी है कि अगर कोई गाड़ी 40,000 चली हुई है तो गारंटी है भाई, 1,00,000 चली हुई तब भी गारंटी है, 5,000 चली हुई है तब भी उस बात की गारंटी आपको मिलती है। और इसी वजह से यहाँ के वीडियो को भरपूर प्यार मिल रहा है भाई। वीडियो अपलोड होने पे फेसबुक वाले भाई लोग 2,00,000 5,00,000 लोग देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, क्यों देखिएगा कि अगर आप डिज़ायर लेना चाह रहे थे तो डिज़ायर आपको न्यू शेप, जहाँ लोगों के पास एक एक है, यहाँ पे तीन तीन लगा हुआ है, वाइट कलर की डिज़ायर है, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की भी डिज़ायर मिल जाएगी, ये भी न्यू शेप, ये भी न्यू शेप, अगेन एक न्यू शेप डिज़ायर जो कि अगर आप देख रहे होंगे ब्राउन शेड पे है। न्यू शेप अगर आपको चाहिए भाई वैगन आर, तो अगेन आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू शेप वैगन आर आ गया है, बहुत ही कमाल के कंडीशन में है। सारी गाड़ी भाई जो इनकी होती है वेल एंड गुड कंडीशन में होती है। इस बार तो इतनी ज़्यादा स्टॉक है, उस साइड पे भी कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और अगर बात करें अंदर की, अंदर क्या गाड़ी है, अंदर कौन कौन सी गाड़ी आपको देखने को मिलती है, वी हैव टियागो, डेंटीगोर, अगेन एक टियागो है। उस साइड पे अगर आप देखेंगे ऑल्टो, आपको दो दो न्यू शेप भी देखने को मिलती है। तो अगर आप एक सेकेंड हैंड कार लेना चाहते थे तो आई कैन से कि भाई कारमैक्स इज़ द बेस्ट डीलरशिप जहाँ से कि आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको ना बहुत ही ट्रस्टेड, मतलब कह सकते हैं ऑथेंटिक डीलरशिप है, जहाँ पे कि आपको जो भी कहा जाता है वो चीज़ आपको मिलती है। और मुझे भी आता है मज़ा, क्योंकि भाई आप लोगों का ही कहना था कि अंकित भाई आप दिखाते हैं वीडियो, तो कोशिश कीजिए जितने अच्छे अच्छे डीलरशिप हो। तो भाई देख रहे हो, आपके लिए मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, ये भगवानपुर चौक के पास में पड़ता है। तो चलिए अभी यहाँ के ओनर को हम लोग बुलाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लोन यहाँ पे हो जाता है, प्रोसेस पूरा मैं बता दूंगा, एड्रेस पूरा मैं बता दूंगा, स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश कर रहा होगा। तो वीडियो को अभी यहाँ से लेके आखिरी तक आप लोग देखिएगा, क्योंकि जिन भी भाइयों को कार लेनी थी उनके हिसाब की कार यहाँ पे लगी हुई है, जिसमें कि भाई अगर देखें तो यहाँ पे बलेनो भी बहुत ही कमाल के कंडीशन में टॉप मॉडल लगी हुई है, डिटेल मैं दूंगा वीडियो में। तो बुलाते हैं यहाँ के ओनर को और फिर एक एक करके उनसे लेते हैं सारी गाड़ी की डिटेल। तो भाई जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया है, हाइप क्रिएट की है कि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है, तो भाई उसको पूरा पूरा डिटेल लेने के लिए हमें तो बुलाना पड़ेगा यहाँ के ओनर को। तो चलिए यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस करते हैं लाल भैया को। तो भैया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, कैसे हैं आप? हम ठीक है भाई, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों का ये बहुत बहुत स्वागत है, जो आप लोगों ने इतना प्यार हम लोगों को दिया, आशीर्वाद अपनी बनाए रखी, इसका मैं आभारी हूँ भैया। क्या रिस्पांस था पिछले वीडियो का मैं जानना चाहूँगा प्रॉपर। हमने यहीं पे खड़ी की थी ब्लू कलर की XUV 700 फर्स्ट टाइम इन बिहार, क्या रहा वो उसका स्टॉक? तो हमें तो वो नहीं दिख रहा। बहुत ही अच्छा था, जैसे ही आपने वीडियो अपलोड की वैसे ही मेरे नंबर पे कॉल आना चालू हो गया, XUV 700 700। बहुत लोगों ने बोला मैं ऑनलाइन बुक कर देता हूँ, मैंने बोला कि एक बार आप कम से कम आके गाड़ी देख लीजिए। हाँ जी, वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, आप संतुष्ट होते तो बुक कीजिए। तो जैसे ही वीडियो हुआ और हमको लगता है 2 से 3 घंटे के अंदर या नेक्स्ट डे, हाँ शाम में अपलोड हुआ था, तो नेक्स्ट डे जो है गाड़ी बुक हो गई थी। बहुत बढ़िया, तो ये है आपका सपोर्ट। और मैं सच कह रहा हूँ,
मैं तो हूँ ही भाई, साथ में डीलरशिप भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा फील करते हैं, जिस तरह का आपका रिस्पांस रहता है। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहता है, यही देख करके तो मेरा भी दिल करता है कि नहीं, हम लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत भाई, मतलब जो कहते हैं ना कि अच्छा होता है फिर बेहतर होता है, क्यों तो भाई बेहतर की ओर बढ़ी जा रही है भाई। और उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए फिर से स्टॉक कमाल का आया है, जिसमें पहली गाड़ी जो है भैया बताएंगे पूरा डिटेल, बता दीजिए भैया हमें। मारुति बलेनो अल्फा मॉडल, अल्फा है ये, सबसे टॉप मॉडल, रजिस्ट्रेशन 2018, ओके, पटना का लोकल नंबर है, बिल्कुल। किलोमीटर मैं आपको बताता हूँ, और किलोमीटर आपके अकॉर्डिंगली इसका क्या होना चाहिए? 18 की गाड़ी है, 30 के अराउंड ये चली हुई है 83,000, विच मीन्स 83,000 किलोमीटर गाड़ी रनिंग है। 83,000 गाड़ी में एक रुपए का कोई काम नहीं है, बहुत बढ़िया। इंटरनल एक्सटर्नल सारा कुछ कंपनी फिटेड है, एकदम स्मूथ गाड़ी चल रही है, 83,000 चली हुई फर्स्ट ओनर गाड़ी। आप एक बार हमारे भाइयों को गाड़ी दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, तो काफ़ी अच्छे से मिल गया आपको डिटेल। और पहली गाड़ी में ही एक चीज़ की बात जो है निकल के आ जाती है कि कारमैक्स डीलरशिप पे मीटर का किस तरह से ध्यान रखा जाता है। जो भी है भाई, आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिले, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जाए, तो आप देख सकते हैं गाड़ी है ये मारुति सुजुकी की नेक्सा, जो बनाती है भाई बलेनो। बलेनो में सबसे टॉप मॉडल है, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें एडिशनली भाई इसमें आ जाती है, आपको मिल जाता है एलॉय व्हील। अभी हम लोग अंदर आते हैं, अंदर क्या कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। तो भाई ये आपने ऐसे चाबी डाल के स्टार्ट नहीं करनी है, चाबी पॉकेट में होगी, बटन दबाइए, गाड़ी होगी आपकी स्टार्ट। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो कि कंपनी फिटेड है, सीट वगैरह जो आप देख रहे हैं ये भाई ओरिजिनल सीट कवर लगा हुआ है। तो गाड़ी अंदर से आपने देख ली, बाहर से भी हमने आपको दिखा दिया है। 2018 मॉडल ये है भाई मारुति सुजुकी की नेक्सा बलेनो, टॉप मॉडल। 8 लाख वाली बलेनो नहीं है, 12.5 लाख वाली बलेनो है, 12.5 लाख रुपए वाली है। कीमत बताएंगे भैया? गाड़ी में हल्का फुल्का स्क्रैच है, चूंकि मैंने गाड़ी कल शाम को ही लाई है, तो अच्छा। वो बनाने में 1-2 दिन का वक्त लगेगा, आगे से थोड़ा बम्पर में स्क्रैच है, वो बन जाएगा सारा कुछ। वीडियो आने तक रेडी हो जाएगा। ओके, ये गाड़ी का मैं आपसे लूंगा लास्ट 6,75,000 ओनली। बहुत बलेनो अल्फा डीजल टॉप मॉडल, 6,75,000 में। बिल्कुल भाई, जहाँ पे लोग बेस मॉडल का ये रेट रख रहे हैं वहाँ पे भैया आपको अवेलेबल कराते हैं बलेनो का टॉप मॉडल। बिल्कुल, तो 6,75,000 लाइए, लाल भैया को दीजिए और गाड़ी अपने घर लेकर जाइए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भैया, हम लोग बताइए थोड़ा सा मारुति की ही शान, मारुति डिजायर VDI डीजल। VDI है ये डीजल, न्यू शेप में VDI, मजा आ जाता है। VDI बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों को मिल नहीं रही है, मैंने थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाया, हमने गाड़ी ले ली और आप लोगों के लिए ही ली है। जल्दी आइए, जल्दी पाइए। बिल्कुल, 2018 का रजिस्ट्रेशन है, वो भी कब का, या तो ये 15 दिसंबर 2018 है या तो ये 25 दिसंबर 2018, विच मीन्स एकदम लास्ट का रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, ये गाड़ी चली हुई है 42,000 किलोमीटर, 42,000 मुजफ्फरपुर का लोकल रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, बिल्कुल, और आप एक बार गाड़ी को दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग भाई इस गाड़ी की भी बातचीत कर लेते हैं, क्यों है ये खास, क्योंकि भाई ये जो गाड़ी है ना, ये 18 के दिसंबर का होते हुए भी, न्यू शेप होते हुए डिजायर का भी, तब भी ये गाड़ी VDI है, जो कि डीजल आपको पता है कितना रेयर हो गया है, न्यू शेप आपको डिजायर में मिलना, यहाँ पे लगा हुआ है, 43,000 किलोमीटर चली हुई है। साइड प्रोफाइल आपके स्क्रीन पे है, आप गाड़ी को अपने आंखों से देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब हम लोग बात करते हैं कि अंदर जब आप बैठेंगे इस कार को परचेस करेंगे तो कैसा आपको मिलेगा लुक, तो अंदर आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन, आपको डोल पैनल से लेके डैशबोर्ड, इवन आपको सीट वगैरह, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो सीलिंग देखने को मिल जाता है। तो ये है इसका इंटीरियर, बाहर से हमने आपको दिखा दिया है, डिटेल आपको मिल गई है पूरी। रह गई है एक चीज़, कितने पैसे आपको देने होंगे। पैसे हमारे भाइयों को चूँकि रोमिंग बट के माध्यम से आएंगे तो ऑलवेज कम ही देना पड़ता है। बिल्कुल, इस बार भी समझिए कि पेट्रोल के रेट में आपको डिज़ायर मिलेगा, वो भी डीजल, मात्र मेरे भाइयों को देना होगा 6,30,000 ओनली। डिजायर VDI डीजल, सही कहा, 6,30,000 आप देख सकते हैं, 6,30,000 में डिजायर VDI 2018 के दिसंबर का है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको प्राइस, क्योंकि मुझे पता है मैंने भाई 17 मॉडल 16 मॉडल कितने का दिखाया है, तो ये कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस डील में इंटरेस्टेड होंगे। स्क्रीन पे नंबर मैंने दे दिया है। अब देखिए, आपको वाइट नहीं चाहिए, आपको डीजल नहीं चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, आपको सिल्वर कलर चाहिए। डिटेल दीजिए भैया इस गाड़ी को। मारुति डिजायर VXI पेट्रोल, अच्छा,
रजिस्ट्रेशन 2018, ये भी 18 है। फर्स्ट ओनर गाड़ी पटना से रजिस्टर्ड, चली हुई है 83,000 या 82,000 के करीब। ओके, कलेक्शन इतना है कि आप आने के बाद लौट नहीं पाइएगा मेरे भाई। बिल्कुल, आप अगर देखेंगे कुछ ना कुछ आपको लेके ही जाना पड़ेगा, लाल भैया के पास आइएगा तो। बहुत बढ़िया, तो अब आपको दिखा देते हैं इस वाली गाड़ी की कंडीशन क्या है क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं वाइट थी भाई वो, ये है यहाँ पे सिल्वर कलर पे, वो भी 18 थी, ध्यान दीजिएगा, चली हुई थी 43,000, ये भी 18 है, चली हुई है 82,000। तो जो जितना चला हुआ है वो आपको एक्चुअल यहाँ पे ओडोमीटर में देखने को मिल जाता है। टायर वगैरह की कंडीशन की बात करें वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, पिछली वाली गाड़ी का भी मैं टायर आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, तो वो चीज़ हमने आपको दिखा दी है। सारी चीज़ें सेम है, बस फ्यूल टाइप आपको अलग मिल जाता है, वो डीजल था ये पेट्रोल है। बाकी अगर बात करें इंटीरियर की, कुछ भी चेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिलता है, कुछ भी ऐसा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। बट मैं आपको कैमरा मूव करके सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो ये है इसका इंटीरियर, 2018 का है ये मॉडल, और ये है डिज़ायर का VXi पेट्रोल है भाई। तो भैया आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, खरीदना चाहते हैं तो कितने देने होंगे आपसे? लेंगे लास्ट 5,90,000। 5,90 में दे देंगे? 5,90,000 लाल भैया को दीजिए और ये डिजायर VXi को। लोन कराएंगे तो कितना डाउन पेमेंट करना होगा? लोन अगर कराइएगा तो इसमें मैं 4,00,000 तक लोन करा दूंगा, 1,90,000 दीजिए और डिजायर VXi लेके घर जाइए। न्यू शेप डिजायर अपने घर लेकर जाइए, 1,90,000 मात्र बस दे दीजिएगा आप, बाकी लोन करा देंगे भैया। 7 सीटर अगर आपको गाड़ी चाहिए भाई, आपको 5 सीटर फैमिली बड़ी है, 7 सीटर से ही आपका काम होगा। अपने पास भाई यहाँ पे अर्टिगा लगी हुई है, लाल भैया डिटेल दीजिए थोड़ा। मारुति की अभी के वक्त की आन बान शान, बिल्कुल मारुति अर्टिगा VDI डीजल वेरिएंट, जो कि बहुत रेयर है। सही बात है, अभी रोजी रोटी कमाने खाने वाले के लिए बहुत बड़ा ये है कि आपको अगर गाड़ी चल रहे हैं या चला रहे हैं तो डीजल गाड़ी होनी चाहिए। चूँकि मैं जो चला के लाया हूँ तो इसे माइलेज देखा है 19.5, विच मीन्स कि ये 18 से 20 देती है आराम से, एकदम आराम से देती है। बिल्कुल, ये चली हुई है 76,000 किलोमीटर, रजिस्ट्रेशन है 30 दिसंबर 2017 का, मतलब एक दिन से रह गया। एक दिन लाल भैया है इसलिए आपको 2017 बोल रहे हैं, कोई और भैया रहते तो हो सकता 18 बोलते। हाँ, तो जो रियलिटी है वो आपके सामने है, 78,000 के करीब चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, BR07 दरभंगा का रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, और ये है VDI वेरिएंट भाई अर्टिगा का, जैसा कि आप देख रहे हैं। 7 सीटर में अगर कोई सबसे ज़्यादा गाड़ी दिखती है ना रोड पे, सबसे ज़्यादा, तो वो अर्टिगा ही है भाई। और ये गाड़ी वो डिज़र्व करता है, वो चीज़ ज़्यादा रोड पे दिखना डिज़र्व करता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपको भाई मतलब जिस प्राइस रेंज में भाई मारुति ऑफर करती है, और कोई गाड़ी उस रेट में नहीं मिलती है 7 सीटर इतनी अच्छे जो मतलब फीचर के साथ आती हो। उसमें भी अभी सेकंड हैंड में आप रेट सुनिएगा, उससे पहले आप देख लीजिए गाड़ी की कंडीशन। सीट आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग वगैरह सब कुछ देखिए, एयरबैग आपको मिल जाता है, बीच में जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी आपको कंपनी फिटेड देखने को मिलती है। और अगर बात करें भाई आपको मैं दिखा भी देता हूँ, तो किलोमीटर 76,000 किलोमीटर जैसा कि भैया ने आपको बताया है इन्फॉर्मेशन देने टाइम, 7 सीटर कार है भैया, है ये 30 दिसंबर 2017 का, 30 दिसंबर 2017 की है, लेकिन पैसा मैं आपसे 2016 का ही लूँगा, 18 का भी नहीं लूँगा, 17 का भी नहीं लूँगा। कितने में दे रहे हैं? इस गाड़ी को आपको देना होगा मात्र 7,00,000 रुपये। 7,00,000 में? 7,00,000 रुपये लेकर के आइए और अर्टिगा लेकर जाइए, और इसमें मैं 4.5 से 5,00,000 तक फाइनेंस करा दूंगा। 4.5 से 5,00,000 तक फाइनेंस हो जाएगा, विच मीन्स अगर आपके पास 2,00,000 रुपये भी है तो ये गाड़ी को आप अपना बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो भाई अगर आपके पास, मैं मोटा मोटा पहले बता देता हूँ, 7,00,000 रुपये में आपको 30 दिसंबर 2017 का अर्टिगा अवेलेबल होता है कार मैक्स ऑटोमोबाइल, जो कि भाई आपको ये मुजफ्फरपुर में है। तो अगर आप कहीं दूर से भी देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने पैरों को नहीं रोक पाएंगे इस शोरूम पे आने के लिए, क्योंकि जो डील आपको मिल रही है ना, आई कैन एश्योर कि भाई ये सब जगह पे अवेलेबल नहीं होती है, ऑल ओवर मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ, इंडिया लेवल पे। अब अगर चाहिए भाई न्यू शेप आपको वैगन आर, वो भी यहाँ पे है, फिर से एक यहाँ ऑप्शन भी है, सारे हैं, मतलब सारे हैं जो आपको पसंद आए। सिल्वर चाहिए सिल्वर लीजिए, व्हाइट चाहिए व्हाइट लीजिए, ग्रे चाहिए ग्रे लीजिए, आप खुश होने चाहिए मेरे भाई, वापस नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, वापस नहीं जाना है, गाड़ी देके ही भेजना, गाड़ी देके ही भेजना। चलिए आते भैया इस वाले डिजायर के डिटेल पे। ये मारुति डिजायर VXi, रजिस्ट्रेशन है 27 दिसंबर 2017 का। अरे वाह, ये भी लास्ट की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पटना का रजिस्ट्रेशन है, हाजीपुर का रजिस्ट्रेशन है, चली हुई है 34 से 35,000 मात्र। बहुत बढ़िया, आप एक बार हमारे भाइयों को दिखा दीजिए। बिल्कुल, तो भाई ये है 27 दिसंबर 2017 की
डिज़ायर। अब ये भी है भाई पेट्रोल में, अगर आपको पसंद है भाई ये जो थोड़ा सा ब्राउन शेड पे कलर आता है, तब भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। काफ़ी लोग मेहंदी कलर बोलते हैं, तो जो भी नाम से आप इसको बुलाइए कलर को भाई, कलर आपके सामने है, देख सकते हैं, ज़बरदस्त दिखती है, अच्छी दिखती है। 27 दिसंबर 2017 का रजिस्ट्रेशन है, 34,000 किलोमीटर आसपास चला हुआ है अराउंड में। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देख सकते हैं जो सीट भाई इसमें लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा इसके इंटीरियर को प्रीमियम टच दे रहा है। म्यूजिक सिस्टम आपको मिलती है कंपनी फिटेड, मिल जाता है आपको एयरबैग, और दोनों साइड मिलता है सामने में, दोनों साइड आपको देखने को मिलता है। स्टीयरिंग पे कुछ कंट्रोल्स हैं, डोर पैनल आपको एज इट इज़ रहता है, जैसा कि सारे ही डिज़ायर और भी जो इनके आसपास की गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। भैया 27 दिसंबर 2017 की है ये VXi है, जैसा कि आपने बताया। क्या प्राइस रखा आपने? प्राइस 17 का ही रखा है, 18 का नहीं रखा है, तो आपको थोड़ा सा गैप इसे मिल जाएगा। कलर का भी चॉइस है, जो पसंद है वो लेके जाइए। ये गाड़ी के लिए आपको देना होगा 5,80,000 मात्र, 5,80,000 के। 4 लाख तक इस पर भी लोन करा देंगे, 1,80,000 पॉकेट में है, तो ये गाड़ी लेके जाइए भाई। पहले तो आप रेट समझिए, 5,80,000 5,80,000 आपका यहाँ पे प्राइस कोड किया है, जिस प्राइस में आपको 17 के दिसंबर का भैया दे रहे हैं डिज़ायर। इंटरेस्टेड होंगे कॉल कीजिएगा, 4 लाख तक लोन कराएंगे, 1,80,000 दीजिए काउंटर पे, बाकी लोन कराकर गाड़ी ले जाइए आराम। बिल्कुल न्यू शेप वैगन आर, फर्स्ट टाइम भाई कारमैक्स डीलरशिप पे शूट की जा रही है, डिटेल दीजिए भैया हमें। ये 2019 का रजिस्ट्रेशन है, ओके, हाजीपुर का नंबर है, बिल्कुल। 34,000 किलोमीटर चली हुई है, 34,000 किलोमीटर चली हुई है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इंटरनल मेरे गाड़ी में कोई काम नहीं रहता है, काम रहता भी है तो एक्सटर्नल रहता है, एक्सटर्नली विच मीन्स स्क्रैच रहता है, स्क्रैच रहता जो मैं बनवा के दूंगा, मैं खुद बनवाता हूँ, मैं स्क्रैच खड़े होकर मैं बनवा के आपको दूंगा, बिल्कुल। तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है कि भैया यहाँ स्क्रैच है, यहाँ स्क्रैच है, आपको लाल भैया बना के देगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप टेंशन, आप एक बार गाड़ी दिखा दीजिए। चलिए तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी। तो ये जो वैगन आर आप देख रहे हैं ये है 2019 मॉडल, सामने से देखें, साइड से देखें, कहीं से भी देखें, पिछले वाली वैगन आर से बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी दिखती है ये न्यू शेप वैगन आर। नंबर भैया ने आपको बता दिया, BR31 हाजीपुर का है। साइड प्रोफाइल भी आप देख लीजिए, किलोमीटर से लेके हर एक डिटेल आपको मिल चुका है, मैंने दिखाना है बस आपको गाड़ी का ओवरव्यू। अगर बात करें भाई डोर पैनल, जैसा मैंने आपको बताया कि मारुति सुजुकी ये सेम रखती है कि किसी के साथ भाई ऐसा ना हो कि हाँ इसमें अच्छा मिला इसमें नहीं, वो ध्यान रखती है। बाकी इसमें एयरबैग भी आपको मिल जाता है। सीट वगैरह की कंडीशन आप देख सकते हैं, 10 out of 10 स्कोर करेगी, कहीं पे कोई कट लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। 2019 मॉडल वैगन आर है, कह सकते हैं भैया 18 मॉडल वैगन आर के रेट में देंगे? एकदम कह सकते हैं, 18 मॉडल वैगन आर के रेट में ही देंगे आपको। 19 मॉडल न्यू वैगन आर VXi 1.0 क्या रेट है भैया? मात्र आपको इस गाड़ी के लिए देना होगा 4,95,000 ओनली। 3 लाख तक इस पे हार्डली लोन हो सकता है, 3 से 3 लाख, 3 लाख भी अगर लोन कराते हैं तो मतलब 1,90,000 आपके पास है तो लेके जाइए। बिल्कुल 1,90,000 रुपये भी अगर आपके पास हैं तो इस वाले वैगन आर को आप अपने घर लेकर जा सकते हैं, बाकी लोन हो जाएगा। 4,95,000 की मिल रही है, 19 मॉडल मिल रही है वैगन आर, अगर आप खरीदना चाहते हैं नंबर मैंने दे दिया, बात कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा आई10 दिख रहा है हमें, 2015 मॉडल आई10। हाँ हाँ, आई10 मेरे पास अभी 5 अवेलेबल है, 2009, 2010, 2011, 2013 और 2015। अच्छा, ये 2015 मॉडल आई10 है, हुंडई आई10, 1.2 कप्पा इंजन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पटना का रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल चली हुई है मात्र 29 से 30 हज़ार, 29 से 30 हज़ार। मैकेनिकल गाड़ी में किसी तरह का कोई काम नहीं है, बस एक्सटर्नली एक स्क्रैच है जो बन के आपको मिलेगा, क्योंकि नई स्टॉक है, मुझे टाइम नहीं मिला बनवाने का, नहीं तो मैं बनवा देता। बिल्कुल, लेकिन भैया ने चाहा कि भाई आपको स्टॉक जो है वो पता लग जाए कि क्या स्टॉक अभी ओन करती है कारमैक्स डीलरशिप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है i10 है, Hyundai की i10, कौन से साल का आपने बताया? 2015, तो 2015 का मॉडल है भाई, और किलोमीटर बहुत ही मिनिमम चला हुआ है, 29 से 30 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो वो आप चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, सीट कवर लगा हुआ है, सेलिंग वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम जो है वो कंपनी फिटेड है, बाकी एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक ये सब तो मिल ही जाता है, जो भाई तमाम फीचर आप ढूंढते हैं एक कार में। तो 2015 मॉडल i10 है भैया, ये क्या प्राइस में दे रहे हैं? 2015 मॉडल आई10
जो बहुत रेयर है, क्योंकि 12-13 तक तो इजीली आ जाता है। 15 मॉडल गाड़ी की दोनों चाबी, सर्विस हिस्ट्री, सर्विस बुक, ट्रांसफर करके, इंश्योरेंस करके, हर कुछ करा के आपको मात्र देने होंगे 3,40,000। 3,40,000, 2,00,000 तक लोन करा देंगे, 1,40,000 आपके पास है तो 2015 मॉडल आइटम लेके चले जाइए, 2,00,000 लोन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 1,40,000 आपके पास है तो 15 मॉडल आप लेकर जाइए हुंडई की आइटम, बाकी का रेस्ट अमाउंट भैया लोन करा देंगे। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा भैया, क्योंकि हम लोग रेट बता रहे हैं जी, क्या क्या चीज़ें आप करके देते हैं इस रेट में, जैसे गाड़ी के जो साथ? रेट मैंने आपको बताया है, गाड़ी में अगर इंश्योरेंस है तो वही इंश्योरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। इंश्योरेंस अगर एक्सपायर है तो 1 साल का नया इंश्योरेंस मिलेगा, पॉल्यूशन एक्सपायर है तो 1 साल का नया पॉल्यूशन मिलेगा। बहुत बढ़िया, गाड़ी अभी किसी और के नाम पे आपके नाम पे ट्रांसफर करके मिलेगा, 1 साल का सर्विस मिलेगा, आप जो सोच सकते हैं हर वो चीज़ लाल भैया आपको देंगे। आप ये चीज़ देख रहे हैं भाई कि मतलब आपको कितना कुछ उसमें इंक्लूड करके मिल रहा है। अगर आपने पटना से कभी परचेस किया हो तो पटना में अलग से आपको कमीशन भी देना पड़ता है 2%, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइस आप देंगे उसमें आपको 1 साल का इंश्योरेंस करके देंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा पॉल्यूशन करके देंगे, नाम पे ट्रांसफर करके देंगे, वारंटी भी देंगे, सर्विस भी देंगे, सर्विस भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको आना होगा कारमैक्स ऑटोमोबाइल मुजफ्फरपुर। एक्चुअली वहाँ भाई इस पते को आप याद कर लीजिए कि यहीं पर पहुँचना है आपको, लाल भैया के पास पहुँचना है। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर का स्टॉक भाई जायजा लेते हैं क्या है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा दूर जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा की गाड़ी एक साथ लगी हुई है, और आता है अंदर से प्राउड फीलिंग, क्योंकि टाटा है भाई अपनी इंडियन कंपनी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, डिटेल दे देंगे भैया हमें, डिटेल बताइए भैया। ये टाटा की टियागो है, 2020 मॉडल है, ठीक है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, ओके, चली हुई है 34,000 किलोमीटर, मात्र 34,000, मुजफ्फरपुर का लोकल रजिस्ट्रेशन है, मैकेनिकल गाड़ी में किसी तरह का कोई काम नहीं है, बहुत ही सुपर मिंट कंडीशन में गाड़ी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पेट्रोल होगी भैया ये? पेट्रोल तो, बिल्कुल। तो ये है टाटा की टियागो भाई, जो कि 34,000 चली हुई है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई 34,000 में ना इसको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। 2020 का मॉडल है, लोकल नंबर है मुजफ्फरपुर का, साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, और गाड़ी बहुत ही कमाल की है ये टाटा की टियागो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब आप इसका टेस्ट ड्राइव भी लेंगे तो आपको फील आ जाता है। और अगर बात करें इंटीरियर की, क्या कुछ आपको फ़ीचर मिलते हैं, चारों पावर विंडो आपको मिल जाएगा, अगर बात करें सीट वगैरह की, कवर की, तो वो सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे बात करें म्यूजिक सिस्टम की, वो भी आपको कंपनी फिटेड मिलता है, 34,000 किलोमीटर आप ओडोमीटर में आप चेक कर सकते हैं। बाकी एसेसरीज में आपको रूफ रेल मिल जाएगा, ड्रोवाइज़र मिल जाएगा, तो सब कुछ कंप्लीट है, आपने बस गाड़ी में तेल डालना है, गाड़ी चलाना है, तेल भराइए और गाड़ी लेकर के जाइए, कैश लेना है कैश लीजिए, लोन कराना है लोन कराइए, बिल्कुल। ये मॉडल है 2020 का, ओके, लेकिन रेट देना होगा आपको 2018 का ही, 2018 के रेट में आपको 2020 मॉडल टियागो देंगे। चलिए रेट डिस्क्लोज कीजिए भैया हमें, मात्र 4,40,000, 4,40 में 20 मॉडल टियागो आइए और लेके जाइए, 4,40,000 में 20 मॉडल टियागो दे रहे हैं भैया। तो अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं जल्दी से इस डील को ग्रैब कीजिएगा, क्योंकि आपने भी देखा है पहले वीडियो 19 या फिर 18 में ये रेट आपको मिलता है, लेकिन 20 में आज तक इस प्राइस में टियागो नहीं मिली है कहीं। आगे आते हैं भैया, यहाँ पे टियागो है, टिगोर है ये? टाइगोर है, टाइगोर है, टियागो का बड़ा भाई, टियागो का बड़ा भाई, बिल्कुल। डिटेल क्या आ रहा है भैया? ये 2017 का रजिस्ट्रेशन है, ये भी मुजफ्फरपुर का लोकल नंबर है, बिल्कुल। 70,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है टाटा की टाइगोर, टाटा की टाइगोर, ये भी आपको टियागो के रेट में ही देंगे। ऐसा नहीं कि ये टाइगोर है तो 50,000 आपको एक्स्ट्रा देना होगा या 40,000 एक्स्ट्रा देना होगा, कुछ भी नहीं। ये गाड़ी आप पहले एक बार दिखा दीजिए हमारे भाइयों को। चलिए ठीक है, तो ये है 2017 मॉडल टाटा की टाइगोर जो कि आप देख रहे हैं। एक चीज़ अच्छी है कि भाई सिल्वर कलर है दोनों, तो अगर आपको टियागो चाहिए तब भी आपको सिल्वर में ऑप्शन है, यहाँ पे टाइगोर भी चाहिए तो सिल्वर में ऑप्शन मिलता है आपको। BR06 जैसा भैया ने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई लोकल नंबर है, साइड मिरर पे आपको बाकी मिल जाता है, इंडिकेटर, टायर वगैरह की कंडीशन भी मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। आइए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर आपको भाई एज इट इज़ मिलती है टियागो में, जैसे आपको देखने को मिलती है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। अगर आप अंदर बैठेंगे ना, ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, बस पीछे में आपको बूट स्पेस अलग से मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात करें किलोमीटर की, 70,000 किलोमीटर चला हुआ है, तो 2017 मॉडल टाटा की टाइगोर 70,000 चला हुआ है। अगर कीमत की हम लोग बात करें, भाइयों को कितने देने होंगे भैया लेने के लिए? टियागो के रेट में टाइगोर दे देंगे, बता दीजिए भाई, हमारे खुश होने चाहिए और क्या। सही बात है, 4,10,000 में आप टाटा टाइगोर लेके जाइए, 2017 मॉडल, 2017 मात्र 4,10,000, उसमें भी 3,00,000 यानी कि 3-3.5 लाख तक मैं लोन करा दूंगा इस पे। अच्छा, मतलब 1,10,000 भी आपके पास है तो टाइगोर लेके जाइए,
110,000 भी आपके पास हैं तो आप टाइगोर खरीद सकते हैं, रेस्ट अमाउंट आपका फाइनेंस करा दिया जाएगा। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है आप लोगों के लिए, 410,000 में 17 मॉडल टाटा की टाइगोर मिल रही है। अगेन अपने पास एक टियागो है, डिटेल क्या है भैया? ये भी मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, लगातार तीन तीन टाटा की गाड़ियाँ तीनों मुजफ्फरपुर बाहर भी 99% गाड़ियाँ जो हमारी या तो मुजफ्फरपुर का रजिस्ट्रेशन होता है या तो पटना का रजिस्ट्रेशन होता है या हाजीपुर, बस क्योंकि ज्यादातर लोकल परचेज ऑनर से परचेज आसपास के लोग की गाड़ी में लेता हूँ, ज्यादा दूर की गाड़ी मैं नहीं लेता, वो ऑन डिमांड आती है। ओके, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, अगर सबसे अच्छा मिलेगा तो आएगी, तो आएगी, कंडीशन वाइज पैसे वाइज नहीं, कंडीशन अच्छी होगी तो गाड़ी लाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने, तो इसका क्या डिटेल आ रहा है? ये 2017 का रजिस्ट्रेशन है, मुजफ्फरपुर का लोकल नंबर है, 42,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, गाड़ी में मैकेनिकल एक रुपया का कोई काम नहीं है। आप एक बार गाड़ी दिखा दीजिए फिर मैं इसका प्राइस बता रहा हूँ। चलिए ठीक है भाई, दो दो हमने आपको दिखा दिया है, ये 2017 मॉडल है, वो 2020 मॉडल थी, रेट का डिफरेंस आएगा वीडियो में, बस आप बने रहिए। साइड प्रोफाइल के पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई, तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्रोम ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है डोर हैंडल पे, बाकी डोर वाइजर मिलती है भाई, व्हील कैप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। दैट इंडिकेट या फिर मेरा कहने का सार ये है कि आपने लेकर नहीं जाना है एसेसरीज शॉप पे, सारे जो भी आप जनरल एसेसरीज लगवाने जाते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। 41,000 किलोमीटर चला हुआ है जो कि भैया ने पहले ही आपको बता दिया है। सोनी का म्यूजिक सिस्टम, सीट वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं, अगेन वही कहूँगा मैं 10 out of 10 स्कोर कर रही है, कहीं कट वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो ये है 2017 मॉडल टाटा की टियागो, कार मैक्स डीलरशिप पे जानते हैं हम लोग रेट। ये गाड़ी लास्ट में दूंगा अपने भाइयों को 385,000 में, 385,000 यानी वैगन आर के रेट में टाटा टियागो ले जाइए। सही बात है बिल्कुल, और भाई क्या रिफाइनमेंट है इस गाड़ी में, वो लोग अब जानने लगे हैं, लोगों को पता लगने लगा है, बहुत ही अच्छी, ऐसे शोरूम में भी काफ़ी अच्छी सेल है तो सबको पता है। तो 385,000 में टाटा टियागो, बिल्कुल टाटा टियागो 385,000 में लीजिए। अब आपको चाहिए भाई अच्छी एवरेज वाली या फिर पॉकेट पे भारी ना पड़े लो मेंटेनेंस वाली गाड़ी, दो दो ऑप्शन है अपने पास, रफ एंड टफ बिल्कुल, मारुति का भरोसा, 20+ माइलेज है, सही बात है, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, बुलेट जितने में मेंटेन होती है मैंने सुना इतने में हो जाती है, इतने में इजीली हो जाएगी, बिल्कुल किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, पार्ट्स पुर्जा ये बहुत सस्ता आता है, ये बोलने में अल्टो है बिल्कुल, लेकिन एयर बैग है इसमें, अच्छा एयर बैग, एयर बैग वाली अल्टो है, बहुत बढ़िया भाई, दो वेरिएंट आते हैं, एक एयर बैग वाली है तो एक विदाउट एयर बैग, विदाउट एयर बैग बिल्कुल, तो ये भी एयर बैग वाली है, वो अल्टो भी अगर एयर बैग वाली है, दोनों के बारे में बताता हूँ आपको, पहले इसके बारे में बताता हूँ, ये 2017 का रजिस्ट्रेशन है, मुजफ्फरपुर का लोकल नंबर है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, बहुत ही अच्छे ऑनर थे हमारे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनसे हमने लिया है, तो जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, एक रुपया का कोई काम नहीं, बस हल्का स्क्रैच जो 100% गाड़ी में रहती है, मेरी गाड़ी तो कोई इधर उधर से आती नहीं जिसमें स्क्रैच नहीं रहता, मेरी गाड़ी तो भैया रोड पे चलती है स्क्रैच तो होना ही है, तो लाल भैया बना के ही देंगे बिल्कुल। तो आपने बताया 17 मॉडल है, 17 का किलोमीटर रह गया था भैया, वो किलोमीटर चली हुई है 24,000 या 25,000, मतलब बहुत कम चला हुआ ना के बराबर, 3 किलोमीटर पर डे का यूज था उनका, 1.5 किलोमीटर स्कूल जाना था, स्कूल से आना था बिल्कुल भाई, और उसी लिहाज से चला भी है, ज्यादा ये चला है नहीं, तो 24,000 किलोमीटर चली हुई आपके सामने है ऑल्टो, आपके स्क्रीन पे सिल्वर कलर की, व्हाइट पे हम लोग आएंगे भाई, अब जिनका पसंदीदा कलर है सिल्वर उनका क्या, तो उनके लिए भी तो हम लोगों को दिखाना है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017 का मॉडल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गाड़ी है भाई, और जो बेस्ट चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको एयरबैग मिलता है, तो सेफ्टी मेजर्स अगर आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गाड़ी में होनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे सीट वगैरह की, तो कंडीशन आप देख सकते हैं, सीट कवर लगा हुआ है, डोर पैनल से लेकर हर एक चीज़ हमने आपको दिखा दी है। 2017 मॉडल आपके सामने है मारुति सुजुकी की ऑल्टो, क्या रेट है भैया? रेट है मात्र 2,99,000, 2,99,000, तो 2,99,000 रुपीज़ आकर आप कारमैक्स डीलरशिप पे मिलिए लाल भैया से, इनको दीजिए और गाड़ी लेकर जाइए। लोन कराएंगे तो कितना भैया लोन करा देंगे आप? 2,00,000 से 2,25,000 तक लोन हो जाएगा गाड़ी पे, मतलब क्या 80,000 में लेकर जाएंगे आराम से। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं भैया, कौन सा मॉडल है ये? ये भी 2017 का है, ये भी फर्स्ट ऑनर है, ये पटना का रजिस्ट्रेशन है, ये चली हुई है 19 या 20 हज़ार, ये भी बहुत कम यूज़ की हुई गाड़ी है, ये भी ब्रांड न्यू कंडीशन में है, ये भी ब्रांड न्यू कंडीशन में, बिल्कुल आंख बंद करके आपको सिल्वर पसंद है सिल्वर लीजिए, आपको व्हाइट पसंद है व्हाइट लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करते हैं। तो आपने 17 का बताया, 20-22 हज़ार चला हुआ है, 17 का है 19,000 या 20,000 चला हुआ है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, पटना का रजिस्ट्रेशन है,
एक रुपए का गाड़ी में किसी तरह का कोई काम नहीं। चलिए ठीक है, बाकी स्क्रैच था जो मैंने बनवा दिया। हाँ जी, स्क्रैच अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं बस एक चीज़, वो है गाड़ी को अच्छे से। तो ये है इंस्पेक्शन टाइम भाई, जहाँ पे हम लोग गाड़ी को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार की है, साइड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा दूँ तो ऐसी दिख रही है भाई ये गाड़ी। अब हम लोग आते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं अंदर से कैसी दिख रही है। तो अंदर से अगर बात करें तो इसमें भी भाई आपको जो है सारा कुछ आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है। और एयर बैग मिल जाता है इस वाले भी जो कार है इसमें भी आपको मिलता है। दोनों ऑल्टो है, दोनों में एयर बैग आपको मिलता है। म्यूजिक सिस्टम जो है वो भी आपको कंपनी फिटेड मिलता है। 2017 मॉडल भी आप 2,99,000 जी, 2017 मॉडल 2,99,000, 2017 मॉडल 2,99,000 ही। अरे थैंक यू सो मच। तो भाई चाहे वाइट लीजिए या सिल्वर लीजिए, बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि आपने देखा होगा कि कलर के ऊपर में बहुत जगह पे रेट डिफरेंस होता है, तो मुझे लगा यहाँ भी होगा, लेकिन नहीं है ये चीज़। सिल्वर भी लेना है 2,99,000, वाइट भी लेना है 2,99,000। बिल्कुल, तो ऑप्शन आपके पास दोनों है, जो भी आपको पसंद है आप खरीद सकते हैं। बाकी दो गाड़ियाँ और रह गई, दो गाड़ी और है बिल्कुल, तो उसको भी हम लोग अभी कवर कर लेते हैं भाई, क्योंकि इस बार स्पेस थोड़ा सा कम पड़ा, स्टॉक भैया ने लाया है ज़्यादा। तो जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि उस साइड पर अगर आप देखेंगे तो दो गाड़ियाँ एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। तो भाई अभी आपने देखा था ऑल्टो 2017 मॉडल, दो दो हमने दिखाया था। अब अपने पास दो दो गाड़ियाँ हैं हुंडई की आई टेन ठीक है। 2011 का रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 60,000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है भैया, किसी तरह का कोई काम नहीं है। एक बार आप गाड़ी दिखा दीजिए। तो 2012 का मॉडल, 2011 का मॉडल है भाई, हुंडई की आई10 है। साइड मिरर पे आपको इंडिकेटर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड, चारों पावर विंडो आपको देखने को मिलता है, मिरर भी आप अंदर से ही एडजस्ट कर सकते हैं, सीट कवर से लेके हर एक चीज़ लगी हुई है। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऑल्टो के तरह ऑप्शन है वाइट और सिल्वर का, वाइट सिल्वर प्लस रेड। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, प्लस एक और वाइट और एक ब्लैक। बहुत बढ़िया भाई, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। प्राइस पे हम लोग आ जाते हैं भैया थोड़ा सा, क्या ये गाड़ी 2011 का रजिस्ट्रेशन है, इसका आपको मुझे देना होगा लास्ट 2,05,000 ओनली। 2,05,000 में लोग 9 मॉडल बेच रहे हैं, यहाँ पे 11 मॉडल मिल रही है। आगे आते हैं थोड़ा सा, आज की हमारी आखिरी गाड़ी है, बहुत एक्सपेक्टेशन है भैया, हैप्पी एंडिंग होगी आज, हैप्पी एंडिंग एकदम होगी। चलिए डिटेल दे दीजिए। 2009 का रजिस्ट्रेशन है, i10 स्पोर्ट्स, उस समय का सबसे टॉप मॉडल, सबसे टॉप, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 70,000 किलोमीटर चली हुई है। ओके, चारों टायर ब्रांड न्यू कंडीशन में है, एकदम नया, बहुत बढ़िया। किसी तरह का कोई काम नहीं, बस आगे से जो स्क्रैच है वो मैं बनवा के दूंगा। ठीक है, तो 2009 का मॉडल है भाई, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टायर ब्रांड न्यू, ये भी है, पीछे वाली भी ब्रांड न्यू कंडीशन में है, स्पोर्ट्स है भाई। तो अगर आप देखेंगे तो 9 के मॉडल में भी आपको यहाँ पे पावर विंडो मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड, सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं। आज की हमारी आखिरी गाड़ी है हुंडई की i10 भैया, हैप्पी एंडिंग करते हैं। हैप्पी एंडिंग, ये गाड़ी का आपको देना होगा मात्र 1,55,000 ओनली। 1,55,000 में इंश्योरेंस प्लस ट्रांसफर प्लस एक साल का सर्विस, हर वो कुछ आपको मिलेगा इस गाड़ी में। 1,55,000 दीजिए और 2009 मॉडल हुंडई की i10 अपने घर लेकर जाइए। इन तीन चार चीज़ें जो अलग से आपको एडिशनली कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थी भाई हमारी आज की आखिरी गाड़ी। थोड़ा सा रोड से साइड में हम लोग चलते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ का एड्रेस, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी दिखाई है, आप ख़रीदना चाहते होंगे तो पहुँचेंगे कैसे, तो उसकी जिम्मेवारी है लाल भैया की कि उनको वो आपको एड्रेस अच्छे से बता दें। एड्रेस बताइए आपको आना होगा मुजफ्फरपुर भगवानपुर चौक। हाँ जी, भगवानपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है। बिल्कुल, वहाँ से आपको आना होगा पताही एयरपोर्ट के पास, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है यहाँ का, पताही एयरपोर्ट, इसको लोग कहते हैं मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट। बिल्कुल, अच्छा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के नाम से फेमस है। इस चौक को कहते हैं फकीरा चौक। ओके, तो आप भगवानपुर से 3 किलोमीटर आइए, फकीरा चौक पे ही आपको कारमैक्स ऑटोमोबाइल दिख जाएगा, चेक कर सकते हैं, जो अपने आप में एक लैंडमार्क है यहाँ पर। बिल्कुल, आप किसी से पूछिएगा वो आपको बता दे, बहुत इजीली आप आ सकते हैं। मेन रोड है ये, भगवानपुर से छपरा वाला रोड हो गया, मुजफ्फरपुर टू छपरा। बिल्कुल, ये मुजफ्फरपुर से छपरा की ओर जो रोड जाती है भगवानपुर से, वहीं पे बीच में कारमैक्स डीलरशिप पड़ता है, वहाँ पे आपको लाल भैया मिल जाएंगे। तो लाल भैया ऐसे स्टॉक लाते रहिए, और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग ये भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अंकित जी, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो आपको भी हम लोगों को प्यार और भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच भैया। तो भाई आपने देखा आज भी आपको हम दोनों ने मिलके बहुत ही अच्छे से सारी गाड़ी की डिटेल दी है।
तो प्लीज़ इसे भाई वेस्ट मत जाने दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नंबर हमने दे दिया डिस्प्ले पे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई सी भी गाड़ी पसंद आई हो तो आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करके आप परचेस कर लीजिएगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा जल्दी आप लोग परचेस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भाई ये डीलरशिप भाई बहुत ही कमाल की गाड़ियाँ बहुत ही कमाल के रेट में दे रहा है, इस वजह से गाड़ियाँ इनकी रुक नहीं रही है। तो जल्दी से देखें तो जल्दी से कॉल करके खरीद भी लें, क्योंकि XUV 700 जो कि 17 लाख की गाड़ी थी वो भी बिक गई इनकी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा अभी हाइप है इस कार डीलरशिप की। तो बस आज के लिए ताई रखते, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।